मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के नामांकन फॉर्म वापस लेने का गुरुवार को आखिरी दिन है और नामांकन करने की समय सीमा पहले ही खत्म हो चुकी है और आखिरी दिन भी कई दिग्गज नेताओं ने अपने अपने नामांकन फॉर्म दाखिल किए थे। इस बीच टीकमगढ़ जिले में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्याम रत्न उर्फ भक्ति तिवारी ने नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। भक्ति तिवारी हमेशा से ही सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाते रहे हैं। वहीं टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने भक्ति तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया था। भक्ति तिवारी और उनकी पत्नी वर्तमान में टीकमगढ़ जिला पंचायत के सदस्य हैं। भक्ति तिवारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक रहे हैं और साल 2020 में सिंधिया के समर्थन में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर विधानसभा सीट से वो बीजेपी पार्टी से ही टिकट की मांग कर रहे थे। जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने 10 सितंबर 2023 को कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर उसकी सदस्यता ले ली। जब भक्ति तिवारी कांग्रेस में शामिल हुए थे उस समय कमलनाथ ने उनकी काफी तारीफ की और कहा था कि भक्ति तिवारी का डीएनए कांग्रेस का है, वो किसी कारण थोड़ा भटक गए थे। कमलनाथ ने कहा था कि मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने कहा कि आप लोग कांग्रेस का साथ नहीं बल्कि सच्चाई का साथ दे रहे हैं। लेकिन बाद में कांग्रेस ने भी भक्ति तिवारी को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें खरगापुर विधानसभा सीट से टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया था। खरगापुर सीट से बीजेपी ने मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे और शिवराज सरकार में कैबिनेट राज्य मंत्री राहुल सिंह लोधी को अपना प्रत्याशी बनाया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भक्ति तिवारी को नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन फिर से भाजपा में वापसी करवा दी। बीजेपी में शामिल होने के बाद भक्ति तिवारी ने कहा कि वो बीजेपी के लिए पूरी ताकत के साथ प्रचार करेंगे। भक्ति तिवारी के बीजेपी में शामिल होने से समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है।